दोस्तों, अगर आप अभी तक जो है फोन पे अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं और बना नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे फोन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यह भी बताएंगे कि फोन पे अकाउंट को कैसे चलाया जाता है। पैसा किसी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे, कोई सामान ले लिया पैसा भेजना है कैसे भेजेंगे, या फिर मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, पैसा कैसे मंगवाएंगे, मोबाइल नंबर से पैसा कैसे भेजेंगे, सब कुछ बताने वाले। सबसे पहले आप लोगों को फोन पे ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ओपन करोगे ऐप को तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर जैसे डालोगे ओटीपी आएगी, ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा, रजिस्टर भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अलाउ करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों दोबारा आप लोगों को फिर अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोगों को फिर से अलाउ कर देना है। जैसे दोस्तों अलाउ पर क्लिक करेंगे आप लोगों को जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी सारी बैंकें आ जाएंगी, आपकी जो बैंक है यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपकी कोई भी बैंक है तो सिलेक्ट कर लेना, और मान लीजिए आपको बैंक यहाँ पर दिख ही नहीं रही, आपका जो बैंक अकाउंट है दिख ही नहीं रही, तो आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के लिए ऊपर आपको कोने में जो है स्किप का बटन दिख रहा, मान लीजिए आपकी बैंक दिख ही नहीं रही तो स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपका जो है फोन पे अकाउंट यहाँ पर इस तरह का ओपन हो जाएगा, यहीं से आपका सारा प्रोसेस होगा। लेकिन अभी तक मैंने बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा है तो पैसा कैसे भेजेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को बैंक अकाउंट जोड़ना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेयर तो दिख रहा, लेकिन अभी तक मैंने बैंक अकाउंट जोड़ा नहीं है। तो जोड़ने के लिए आप लोगों को बीच में जो है सबसे क्या दिख रहा है, ऐड बैंक अकाउंट दिख रहा कि नहीं, ये वाला। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऐड बैंक अकाउंट करना है। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को जो है इस तरह का इंटरफेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी सारी बैंकें खुलकर आ जाएंगी। आपकी बैंक किस में है, HDFC में है आपका बैंक अकाउंट, या फिर SBI में, या फिर जो है PNB में, या फिर यस बैंक में, या फिर आपकी बैंक यहाँ पर कोई भी है, आपकी जो बैंक है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मेरी बैंक जो है HDFC है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे दोस्तों सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मेरे जो दो अकाउंट हैं HDFC में दोनों खुलकर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा फाउंड टू अकाउंट विथ HDFC बैंक। तो दोनों अकाउंट यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई हो जाएंगे। अभी प्रोसेस पर क्लिक करना है नीचे। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करूँगा मेरे दोनों बैंक जो है लिंक हो जाएंगे इस फोन पे अकाउंट में, और यहां पर आपको दिख भी रहा है कि आपका जो फोन पे अकाउंट है दोनों बैंकों से लिंक हो चुका है, सक्सेसफुल दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, सेट पिन पर आप लोगों को क्लिक कर देना। यहां पर दोस्तों हम लोगों को जो है UPI पिन बनाने से पहले आपका जो बैंक वाला जो ATM कार्ड होता है डेबिट कार्ड, उसका जो है लास्ट का 6 अंक मांगता है। मान लीजिए आपका जो है ATM कार्ड बना ही नहीं है, आपने जो है आधार कार्ड से जो है बैंक अकाउंट को खुलवाया था। आधार कार्ड से अगर खुलवाया होगा तो आपका जो है बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक होगा, तो आप जो है यहाँ पर आधार कार्ड से भी बना सकते हैं। ऊपर तो आपको क्या दिख रहा है, डेबिट कार्ड ATM कार्ड से बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जो है ATM कार्ड नहीं है, तो आपको नीचे क्या दिख रहा है, ATM कार्ड के नीचे आपको आना है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा है एप्लीकेशन यूजिंग आधार नंबर, आधार नंबर से भी आप लोग बना सकते हैं, इस पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को सेट UPI पिन यूजिंग का ऑप्शन मिल रहा। उसके बाद यहां पर जो है आधार नंबर लिंक्ड विथ बैंक, अगर आपका जो आधार नंबर है आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है तभी फोन पे बना पाओगे, अगर लिंक नहीं तो लिंक करवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक्सेप्ट प्रोसेस पर क्लिक करके आधार कार्ड से आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ATM कार्ड है ही, तो मैं उसी से आपको बनाकर सिखाऊंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है आधार कार्ड से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए मुझे यहाँ पर बैंक जाना है, अब मैं चलता हूँ बैंक। बैंक जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिर से मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं फिर से डेबिट कार्ड से अपने फोन पे अकाउंट को बनाऊंगा। तो चलिए मैं अपने ATM कार्ड के जो लास्ट वाले 6 अंक हैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, और डेट डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को एक जो है OTP आएगा 6 डिजिट का, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिल होते हुए दिख जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होता है तो आपको OTP डाल देना जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंटर 4 डिजिट न्यू UPI पिन, आपको यहाँ पर नई बिल्कुल
यूपीआई पिन बनाना होगा और इस यूपीआई पिन को किसी को बताना नहीं है, क्योंकि यही यूपीआई पिन आपका पैसा इधर उधर शेयर करेगा और पैसा अगर लाते हो तो आप चेक भी कर पाएंगे। यूपीआई पिन ये वाला बहुत ही मेन होता है, तो इस यूपीआई पिन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर बनाना है, भूलना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है अगर अपने बैंक अकाउंट को चेक करना है, मान लीजिए आपने आप फोनपे आपने बना दिया, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने कौन सा बैंक जोड़ा है, तो आपको लोगों पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपकी बैंक जो लिंक होगी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने जो है HDFC लिंक किया था, वो यहाँ पर दोनों मेरी बैंक लिंक है। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप कोई और भी बैंक अगर जोड़ना चाहते हैं, SBI का मान लीजिए आपका खाता है तो वो भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। मैंने दो बैंक को ऑलरेडी जोड़ कर रखा है, इसलिए मैं और बैंक को नहीं जोड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ऐसे छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपको किसी को पैसा शेयर करना है, आपको जो है QR देना है, QR देता है उसको आपको शेयर करना है, तो यहाँ पर आपको स्कैन पर क्लिक करके आप लोगों को देखिए ऐसे पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको उंगली जैसे हटाऊंगा, ये देखिए बारकोड मेरा स्कैन कर लेगा। इसी तरह आपको स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट चेक करना, मान लीजिए आपने जो है 100 रुपये का कोई भी सामान लिया है, या फिर 1000 का सामान लिया है, या फिर 10 रुपये का भी सामान लिया है, तो यहीं से आप भेज सकते हैं और आप लोग एक दिन में जो है 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में डाल सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। उसके बाद 1 रुपया चलिए मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूं किसी के अकाउंट पर भेजकर। जैसे प्रोसेस करोगे इस तरह का आपको UPI पिन का ऑप्शन आएगा, UPI पिन वही जो आपने 4 अंक का बनाया था वही यहां पर आपको डाल देना है। जैसे डाल दोगे उसके बाद जो आपका जो पैसा है तुरंत ही जिसके पे आपने भेजा उसके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ये होता है दोस्तों आप लोगों को QR से पैसा भेजने का तरीका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी के मोबाइल नंबर से पैसा भेजना है या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है, कैसे करोगे चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 2 मोबाइल नंबर, इस 2 मोबाइल नंबर से अगर भेजोगे तो मोबाइल नंबर डालकर आप पैसा भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो सेव होंगे वो भी आ जाएंगे। अगर नया नंबर पे पैसा डालना तो आप लोगों को नंबर यहाँ पर डालना है और पैसा पे करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर किसी के बैंक में पैसा भेजना है तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर अपना बैलेंस चेक करना है तो चेक बैलेंस, बैंक का जो आपके बैलेंस यहाँ पर ये कितना पैसा बचा है ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद आपको अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो ये भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलना है मोबाइल रिचार्ज करने का। बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, सारे कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इसको चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को